आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्लास 10th का और एक्सरसाइज 14.1। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे, मीन कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमें मीन निकालने के 3 फॉर्मूले हैं हमारे पास। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड, 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वॉज एबसेंट। अब बच्चे एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है। देखो, यानी कि क्लास साइज की बात कर लो, क्लास साइज हमारा इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में स्टेप डिविएशन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लास साइज है यानी कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। देखो यहाँ से 0 और 6, यहाँ कितना डिफरेंस आ गया? 6 का। यहाँ कितना डिफरेंस आ गया? 4 का। यहाँ कितना आया? फिर 4 का। यहाँ कितना आया? 6 का। यहाँ कितना हो गया? 8 का। यहाँ कितना डिफरेंस बन गया? 28 + 38, 10 का। यहाँ कितना आ गया? 2 का। तो यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ सकता। ऐसे क्वेश्चंस में आप स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, बाकी अदर 2 मेथड्स यूज़ कर सकते हो आप। क्लियर हुआ यहाँ तक? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि स्टेप डिविएशन कहाँ यूज़ नहीं कर सकते? हम वहाँ यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे क्लास साइज सेम नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए आगे अब चलते हैं। टेबल बन चुका हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं और क्लास मार्क हमें क्या करना है? फाइंड करना है, है ना। चलिए क्लास मार्क फाइंड करते हैं। 0 + 6/2 क्या होगा? 3, यही होगा। 0 + 6/6 क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद 6 + 10 = 16/2 क्या होगा? 8 होगा। उसके बाद 10 + 14 = 24/2 12 होगा। 34 बन जाएगा, यहाँ क्या आएगा? 17 आ जाएगा। 20 + 28 = 48/2 क्या होगा? 24 होगा। और 28 + 38 = 66 बन जाएगा, यहाँ 33 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में 39 आ जाएगा। ये तो सबको फाइंड करना आता है। कैसे फाइंड करते हैं? यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब आपको निकालना है अज्यूम। अज्यूम कैसे निकालते हैं? पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ तो निकल जाएगा, ऊपर से हम 3 वैल्यूज़ को लीव कर दो और बॉटम से 3 वैल्यूज़ को लीव कर दो, जो मिड वैल्यू बचेगी वो हमारा अज्यूम्ड होगा। इसको हम ए मान के चलते हैं। 17 हमारा क्या आ गया? ए। अब अगला स्टेप भी सबको पता है, xi - a। xi क्या है? 3। 3 - 17 कितना होगा? -14 हो जाएगा। उसके बाद 8 - 17 कितना होगा? -9 होगा। उसके बाद 12 - 17 कितना होगा? -5 होगा। उसके बाद ये 17 - 17 0 होगा। 24 - 17 कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद 33 - 17 16 हो जाएगा। उसका 39 - 17 22 हो जाएगा। क्लियर? अब आपको अगला स्टेप भी पता है, fi * ui निकालना है। ui आपके पास -14 है और fi 11 है, इसको करो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 154 आ जाएगा माइनस। उसके बाद -90 आ जाएगा। उसके बाद -7 - 35 होता है। क्लियर? उसके बाद ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 7 - 4 = 28 होता है, 16 - 3 = 48 होता है। उसके बाद 22 * 1 = क्या होगा? 22 होगा। क्लियर हो गया? अब इन सब वैल्यूज़ को तीनों को ऐड करो, बट आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। ये आता है -279 इसको ऐड करने के बाद, ठीक है। अब इनको ऐड करने के बाद क्या आएगा? तीनों को ऐड करने के बाद वैल्यू आती है हमारे पास 98। अब 279 + 98 ये वैल्यू आती है हमारे पास -181। ये क्या आया? -181। तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास? 40। अब आप अज्यूम वैल्यू यूज़ कर सकते हो। कौन सा मीन निकालने का? a + σfi di / σfi। तो यहाँ क्या आएगा? a क्या था आपके पास? 17 +
-181/40, ये वैल्यू थी। इसको सिंपलीफाई करो, ये किससे जाएगा 4 10 45.2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, माइनस में आ गया, ये 10 पीछे जाएगा तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 17 -45.2/10। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, अब 17 -4.52, तो यहाँ क्या आ जाएगी 12.48। ये आपका मीन निकल गया, बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं है मीन निकालना। अगर आपका कंसेप्ट बैठ चुका हुआ है तो इजी है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, स्टेप डिवीजन मेथड की जो लिमिटेशन है वो वहाँ पे है। लिमिटेशन का मतलब हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल सेम हो। जहाँ क्लास इंटरवल सेम नहीं होगा तो वहाँ पे हम से वहाँ पे यानी कि कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो वहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। थैंक यू।